घर के इस साइड के फसाड को सन को यूटिलाइज करने के लिए ये देखिए, आप इस फसाड को मूव कर सकते हैं। Hey guys, welcome back to Illuminati Ventures. आज हम आपके लिए खास एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लेके आए हैं। आपको टॉप एंड प्रॉपर्टीज़ तो मैं दिखाता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज़ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, उनको बनाने की एक फिलॉसफी होती है, उनको बनाने का एक स्टाइल होता है, और कोई कोई चाहता है कि एक रन ऑफ द मिल प्रॉपर्टी ना बना के कुछ एक अलग करी जाए चीज़। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी एक बिल्कुल डिफरेंट अलग सी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी देखने में भी बहुत डिफरेंट है, और इस प्रॉपर्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको बनाने के पीछे थॉट जो गया है वो ये है कि लॉन्ग लास्टिंग, मजबूत चीज़, इजीली मेंटेनेबल, एंड आल्सो इन सच अ वे विच इज़ क्लोज टू नेचर, जिससे कि आप नेचर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सको अपने घर को चलाने के लिए। इन पॉइंट्स को मैं ज़रा लंबा हाईलाइट करूँगा, समझाना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी को, सो लेट्स गो। ये जो आप देख रहे हो इस फसाड पे सारे मूवेबल पैनल्स हैं जो मैं ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा, और ये सारे पैनल्स खुल जाते हैं और सनलाइट को आप ब्लॉक कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो विंटर्स में अपना घर गर्म करने के लिए और गर्मियों में घर को ठंडा करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है। सो मैंने इससे पहले कभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 360 यार्ड्स की DLF फेज 4 की सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट डेडिकेटेड क्लोज सर्किट लेन, बिल्कुल फुल हाई सिक्योरिटी एरिया जैसे होता है उस एरिया में ये प्रॉपर्टी है। 360 यार्ड्स की होने की वजह से चार बेडरूम की प्रॉपर्टी तो है ही, ड्राइंग डाइनिंग बेडरूम किचन वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास, स्टोर मंदिर पूजा वूजा सब कुछ ऑल देयर। बट यहाँ से स्टार्ट होती है वो वाली चीज़ जो हमें सबको बड़ी पसंद है, पार्किंग्स। सबके लिए डेडिकेटेड गेट, चार बुटीक फ्लोर्स बने हुए, आपको अपना गेट मिल जाएगा, और गेट से आप देखिए पार्किंग कहाँ तक जाती है, अच्छी लंबी चौड़ी बड़ी पार्किंग, आपको 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग आराम से मिलती है। 3 तो मतलब कहीं भी नहीं गए। इसको आपको डिनोट कराने के लिए बेसिकली जिस एक गाड़ी का जो मास है उसको आप समझ लीजिए, ये वाला ग्रेनाइट का जो स्लैब है जहाँ पे ये हो रखा है, मोज़ेक बन रखा है, ये गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 2 और वो गाड़ी नंबर 3। सो 2 बड़ी गाड़ियाँ 1 छोटी गाड़ियाँ, बाय एंड लार्ज आपको किसी भी फ्लोर को आप परचेज करते हैं उसके साथ आपको ये मिलती है। यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं इधर एरिया है सर्वेंट क्वार्टर्स का, यहाँ से अंदर जाके सर्वेंट क्वार्टर्स आते हैं, और सामने थोड़ा सा इधर एरिया है बेसिकली जो टॉप फ्लोर लेगा उसको ज़रा थोड़ी एक्स्ट्रा पार्किंग वगैरह दी जा सकती है वगैरह वगैरह, बेसिकली ऑल अंडर डिस्कशन। प्रॉपर्टी अभी ब्रांड न्यू बन के तैयार हुई है, बस थोड़ी देर में मिल जाएगा इसका पोजीशन। तो अभी इससे पहले कि ये बिक जाए हमने सोचा क्विकली आके इसको शूट कर लेते हैं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया चीज़ें जब होती हैं वो टॉप प्लस टेरेस वगैरह टाइप की चीज़ें वैसे भी कभी भी रेडीमेड मिलती नहीं है, हमेशा बुकिंग में निकल जाती हैं, इसलिए हमेशा हम आपको मिडिल फ्लोर्स वगैरह शूट करके दिखाते हैं, बट इस प्रॉपर्टी में टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है। सो वो भी देखेंगे अपना एक फ्लोर और टॉप फ्लोर, फिलहाल चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे होगे नॉट श्योर उस टाइम पे कितने फ्लोर्स अवेलेबल रहेंगे, आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पे इस तरफ पे रहता है, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको बस एक बार टच करेंगे व्हाट्सएप अपने आप खुल जाएगा और उसमें अपनी क्वेरी लिख के भेज दो, एज सिंपल एज दैट। ऊपर चलेंगे और देखेंगे अपना फ्लोर, सी यू देयर। ओके, सो अब हम आ गए इसके फ्लोर पे, ये है इसका दरवाज़ा, अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या अलग चीज़ बन रखी है, यू विल बी सरप्राइज्ड। Are you ready? So, welcome. This is the huge drawing dining area. आप इसका साइज ज़रा बॉस अब्जॉर्ब करो, मैं यहाँ पर घूम फिर सकता हूँ, भाग सकता हूँ, बहुत ही बड़ा साइज़ है। ये इसका ड्राॅइंग डाइनिंग एरिया है विद एन ओपन आइलैंड किचन, यहाँ पर पूरा बना हुआ, इधर सारी इसकी फिटिंग्स वगैरह आ जाएंगी, आप जैसे इस किचन को यूज़ करना चाहें। इंटरेस्टिंगली किचन में बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग फिटिंग्स हैं, वो तब कवर करेंगे जब हम किचन को कवर करेंगे, फिलहाल क्विकली देखेंगे इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। सो ये है इसका बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, मतलब ह्यूज,
यहाँ पे पैनल वर्क हो रखे हैं, पेंटिंग्स लग रखी हैं, फ्रेंच वॉल्स बन रखी हैं, एसीज़ के पॉइंट्स दे रखे हैं, साइड में इसका ओपन किचन है और उस तरफ हैं इसके 3 bedrooms एंड इस तरफ है एक और बेडरूम एंड पूजा एरिया। सो यहाँ से हम चलेंगे क्विकली अपने किचन को ज़रा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद आपको सारे बेडरूम्स भी तो दिखाने हैं। सो ये है यहाँ का आइलैंड किचन। आइलैंड किचन पे क्वाड्स काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी पैंट्री यूनिट्स बने हुए हैं। बेसिकली इन पैंट्री यूनिट्स में आप अच्छी खासी स्टोरेज कर सकते हैं, सारे एक्स्ट्रा वाइड स्पेसिफिकेशन में हैं, सो खूब सारी स्टोरेज बेसिकली हो जाएगी। यहाँ पे इनके सिंक्स हैं एंड 900 mm की इसकी कबर्ड्स हैं। बेसिकली इसमें आप ऊपर खूब सारी आपको स्टोरेज मिल जाएगी विच इज़ समथिंग लाइक दिस। तो आप अपने इन स्पेसेस को यूटिलाइज करने के अलावा ऊपर भी आपको बॉक्सेस मिलते हैं जिससे कि सीलिंग लेवल तक स्टोरेज मिल जाएं। नाउ इसके साथ में यहाँ पे लगी हुई हैं ट्रैक लाइट्स, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक लाइट्स बट पॉइंटेड लाइट्स। इन लाइट्स को आप किसी भी तरफ पॉइंट कर सकते हो, बस हाथ मारो और उसको उसकी तरफ पॉइंट कर दो, अपने खाने की तरफ पॉइंट करके रखो। जब गेस्ट आएंगे तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी वुडन ट्रेज, उसमें अपना मतलब चिकन टिक्का वगैरह वगैरह बार काउंटर वगैरह की तरह आपके अपने हिसाब से यूज़ करो। बढ़िया जगह है बेसिकली गेस्ट को दिखाने के लिए, टॉप क्लास। इसके साथ किचन के साथ यहाँ पे एक एरिया है, इसको आप चाहो तो एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हो या इसको चाहो तो यहाँ पे आप एक सिंक लगा के सिर्फ एक वेट एरिया की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है जो कि बिकॉज ओपन किचन है तो कभी कभी कुछ चीज़ें अलग से भी रखनी होती हैं। इस पर आप शेल्फ लगा सकते हो या इसको आप वो कर सकते हो, वेट एरिया बना सकते हो। एंड दिस इज़ अ क्लोजेबल यूनिट, सो ये यहाँ से बंद हो जाता है एंड ख़त्म। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपका साइड बाय साइड डबल डोर फ्रिज आ जाएगा, यहाँ पे उसके पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे माइक्रोवेव OTG वगैरह आ जाएंगे एंड आपका किचन बहुत ही मतलब एक्लेक्टिक अप मार्केट लगेगा। जब आप यहाँ पे अपने गेस्ट वगैरह को लेके आओगे तो शो ऑफ करने वाली बात होती है, मज़ेदार लगेगा। पूरे घर में इटालियन मार्बल तो लगा ही हुआ है, ये तो आज की डेट में एक बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, ये तो लगा ही हुआ है। एंड ये है बेसिकली इसका बैकड्रॉप, देखने में सुंदर बढ़िया चीज़। यहाँ से चलेंगे क्विकली अपने बेडरूम्स देखेंगे, तो आ जाओ। ये है बेडरूम की एंट्रेंस, यहाँ से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिसेस दे रखा है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको अपना डेडिकेटेड पूजा रूम बना सकते हो, एक स्टडी बना सकते हो, फिफ्थ बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हो या सेवन क्वार्टर बना सकते हो, जो आपका मन करे बेसिकली। ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जहाँ पे आप फैन लगा सकते हो अगर आपने इसको एज एन एक्स्ट्रा रूम की तरह यूज़ किया फॉर सम रीज़न, जो भी अगर आपका मन करे तो। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के हिसाब से इट्स अ गेस्ट बेडरूम क्योंकि ड्राइंग डाइनिंग के साथ में है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इनका वॉशरूम। वॉशरूम ओके आ जाओ, ये है इसका शावर कैबिन। यहाँ पे आपका शावर, सारी जैगवार की फिटिंग्स लगी हुई हैं एंड इसमें इन्होंने उस वेरिएंट को लिया है बेसिकली जहाँ पे आपकी फिटिंग्स में कोई भी दिक्कत आए आप जैगवार को फ़ोन करेंगे, 24 आवर्स में ऑन साइट यहाँ पे चेंज होती है चीज़ घर पे आके। ओके सो यहाँ पे आती हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग कबर्ड्स। दिस इज़ द कबर्ड यूनिट बेसिकली आइडिया के लिए, दिस इज़ पूरा ऊपर लॉफ्ट लेवल तक कबर्ड्स हैं। यहाँ पे आप अपनी हैंगिंग और ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। एंड वापस चलेंगे अपने सुंदर से ड्राइंग डाइनिंग एरिया से होते हुए अपने बाकी के 3 bedrooms देखने के लिए। सो हम यहाँ से एंटर कर रहे थे। नाउ जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो ड्राइंग डाइनिंग के साथ में आता है यहाँ पे इसका पाउडर रूम। पूरा पाउडर रूम ब्लैक इटालियन मार्बल के साथ फिनिश्ड है, पूरा स्टोन का पाउडर रूम है। यहाँ पे इसकी WC यूनिट्स, यहाँ पे इसका वॉश बेसिन प्लस अ फुल हाईलाइट वाला मिरर जिसमें अगर पसीना आ रहा हो तो ज़्यादा चमकता है। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है क्विकली सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपके लाइक वीडियोस में रहेगा और जब चाहो इसको देख सकते हो। इस जगह पे आते हैं बेडरूम नंबर 2, 3 and 4। ओके सो ये 3 bedrooms हैं, सबसे छोटा वाला पहले देख लेंगे। दिस इज़ द बेडरूम। यहाँ पे है बेसिकली डार्क इटालियन मार्बल लगा हुआ एंड यहाँ पे है एक कबर्ड और कबर्ड के साथ है यहाँ पे TV यूनिट, यहाँ पे आप TV लगाएंगे साथ में TV के नीचे के एक्सेसरीज वगैरह रखने के लिए, तो सुंदर लगता है। इसके साथ है यहाँ पे बालकनी। सो फर्स्ट बेडरूम के साथ भी बालकनी थी जो मैंने शायद दिखाई नहीं, बट फिर से दिखा दूँगा आपको। ये था सेकंड बेडरूम, इसके साथ की बालकनी एंड यहाँ पे है इसका वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम, ये टाइल्स में बना हुआ है बट इस घर में जो मास्टर बेडरूम है वो वाला बाथरूम भी बाथरूम भी स्टोन में बना हुआ है। सो दिस इज द वॉशरूम। अच्छी खासी बड़ी स्पेस है बेडिंग के लिए। यहाँ पे दिस इज द
शावर एरिया, दिस इज द मिक्सर वगैरह वगैरह. टू द पॉइंट, सिंपल बेसिकली, जो चीज़ें आसानी से मेंटेन हो जाए और आसानी से लंबा चले. और यहाँ से चलेंगे अपने दो और बाकी के बेडरूम देखने के लिए. दिस इज बेडरूम नंबर टू. इस बेडरूम में यहाँ पे आता है टीवी यूनिट, ब्लैक मार्बल का काम हो रखा है. और यहाँ से बाहर आपको ज़रूर लेके चलूँगा एक सेकेंड में, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. इस बेडरूम में यहाँ पे आता है इसका वॉशरूम. वॉशरूम की एक बार आप फिनिशेस देखो यार, बढ़िया फैब्रिक फिनिश लुकिंग टाइल्स लगी हुई हैं. यहाँ पे इसका शावर एरिया है, सारी चीज़ टाइल क्लैड है, टॉप लेवल तक टाइल लगी हुई है. सारे घर में ऐसे ही बाथरूम्स बने हुए हैं. यहाँ पे आती हैं इनकी कबर्ड्स. कबर्ड्स ऊपर लॉक लेवल तक हैं, अच्छी खासी लंबी टॉल हैंगिंग के साथ, जिससे कि अगर आपके कोई लंबे लंबे कपड़े हैं उनको आप आराम से यहाँ पे हैंग कर सको. हर रूम के साथ डेडिकेटेड वुडवर्क करा हुआ है, इसकी कबर्ड्स वगैरह, फॉल सीलिंग वगैरह सारी करी हुई मिलती है और बढ़िया लगती है बेसिकली. यहाँ से आएंगे अपने मास्टर बेडरूम में. ओके, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. अच्छा खासा बड़ा साइज, यहाँ पे वही पॉइंटेबल लाइट्स लगी हुई हैं. इधर आप इसको जहाँ मर्जी पॉइंट कर सकते हैं, अपने बेड पे, इधर कोई पेंटिंग लगाते हैं तो वहाँ पे. यहाँ पे एक स्टडी टेबल बन के मिलती है एंड साथ में एक टीवी यूनिट बन के मिलता है. सो ये सब चीज़ें यहाँ पे डन है, आपको बस आना है, अपना फर्नीचर लगाना है और रहना शुरू कर देना है. सिंपल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है. इसका टेरेस भी देखेंगे क्विकली. ये है इसका वॉक इन क्लोजेट एंड वॉशरूम. वॉक इन क्लोजेट यहाँ से है बेसिकली. दीज आर द कबर्ड्स. यहाँ पे हैंड बैग, शूज़ वगैरह रखने की खूब सारी जगह. एंड ये 180 डिग्री से ज़्यादा खुल जाते हैं, जिससे कि आपको खूब सारी स्टोरेज यूज़ करने को मिल जाए. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टोरेज दैट यू गेट. यहाँ पे एक ड्रेसर यूनिट है, इस ड्रेसर यूनिट पे आप बेसिकली तैयार हो सकते हैं. यहाँ से आएंगे अंदर, क्विकली देखेंगे पूरा स्टोन का बना हुआ हमारा वॉशरूम. ये है ये वॉशरूम. यहाँ पे स्टोन के ग्रूव्स दे रखे हैं, साफ़ सुथरा ऊपर टॉप लेवल तक का काम हो रखा है. यहाँ पे है इसका शावर एरिया. पूरी चीज़ जो है बनी हुई है स्टोन में एंड सारे में जैगवार की फिटिंग्स लगी हुई हैं. एंड यहाँ से आपको चल के दिखाऊंगा इस घर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़. ये जो बालकनी है, बेसिकली बालकनी ये घर का फ्रंट है. एंड इस बालकनी से आते हैं इसके बड़े इंटरेस्टिंग से फीचर्स. सो एज़ पर वास्तु, जब सन पाथ स्टडी करी थी इन्होंने और उनकी सन की क्या मूवमेंट होती है, इन्होंने घर के इस तरफ के फसाड को, घर के इस साइड के फसाड को सन को यूटिलाइज करने के लिए, ये देखिए आप इस फसाड को मूव कर सकते हैं. सो जब, और ये एक हाथ से आप सिंपली मूव कर सकते हैं. ये सारे बिल्डिंग की शक्ल ही चेंज कर देता है बेसिकली. आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, और आप हवा खाना चाहते हैं तो इसको खोल लीजिए, अगर आप यहाँ पे शांति से बैठना चाहते हैं तो इसको बंद कर दीजिए. ये कम से कम नहीं तो 2 टन के आसपास का होगा जो एक हाथ से घूम जाता है. बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो रखी है. यहाँ पे आप अपनी टेबल चेयर्स वगैरह लगा सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं इस एरिया को. खोल देंगे तो हवा भी आएगी, हीट भी आएगी, सर्दी भी आएगी. सर्दियों में सन आएगा, गर्मियों में सन नहीं आएगा. सो दिस वॉज द फ्लोर गाइज. यहाँ से चलेंगे अपने टॉप फ्लोर पे और देखेंगे टेरेस. ओके, सो लिफ्ट से बाहर निकल के हम आ गए हैं अपनी टेरेस में. सो दिस टेरेस इज़ अवेलेबल विद द टॉप फ्लोर. अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं, टेरेस आपको मिल जाएगा. एक बारी ज़रा खुल के इस टेरेस को देखिए भाई. इट्स अ वेरी नाइस, अच्छा एम्बियंस बना हुआ है. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ. ये सारा DLF Phase 4 का एरिया है. आगे जो आप देख रहे हैं वो सब DLF Phase 5 का एरिया है. ये खुला व्यू, जिसमें आपके घर के सामने कोई घर नहीं है, ये व्यू हमेशा ऐसा ही रहेगा. आपके घर के सामने कभी कोई घर नहीं आएगा. ये जो लेन है, ये सिंगल एंट्री एग्जिट लेन है, गार्डेड लेन है, DLF Phase 4 में है. घर सुंदर बना हुआ है. घर में ये इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं जो मैं आपको दिखाया. फसाड पूरा मूव करता है. एंड ये है इसका टेरेस. यहाँ पे है इसका बार. सो यहाँ पे जब आप शाम को पार्टी करेंगे, आप बढ़िया से अपनी ड्रिंक्स विंक्स बनाइए. बार में सिंक भी लगा हुआ है, पानी का कनेक्शन भी ऑन है. हर तरीके से ये बार यूजेबल है. पीछे बड़ी सुंदर लाइट्स लगी हुई हैं, जिससे कि इसको हाईलाइट कर सकें. और यहाँ पे भी एक ये परगोला बना हुआ है. इसको आप चाहें तो ऊपर से कवर करा सकते हैं शीट से, चाहे तो रख सकते हैं. यहाँ पे अपने काउचेस वगैरह रखेंगे, मतलब मज़ेदार सीन बन जाएगा. शाम के इंतज़ाम बढ़िया. ओके, ऊपर अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ.
ग्राउंड फ्लोर पे जो वाटर टैंक बना हुआ है वो करीब करीब 20,000 लीटर का है और कॉमन है बिटवीन ऑल द रेजिडेंट्स। और जब वो वाटर टैंक में पानी भर जाता है आप सीधा अपना घर की मोटर चलाइए, जब मर्जी चाहे अपनी टंकियाँ फुल कर लीजिए। 1,000-1,000 लीटर की टंकियाँ सबके लिए अब लगी हुई हैं, सो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंगली घर में बोरिंग भी हो रखी है, लीगल बोरिंग हो रखी है, जिससे कि आप ग्राउंड वाटर भी हार्नेस कर सकते हैं और उसकी भी परमिशन इस घर पे बिल्डर ने ले रखी है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। आसपास एक बारी टेरेस को देख लो गाइस, मतलब टेरेस का फन तो होता ही है, ठीक है। ये सारी आप ये लाइट्स देख रहे हो, मतलब मज़ेदार लाइटें, वाइटें, वर्टिकल गार्डन, ये सब दैट्स मतलब बढ़िया चीज़ें लग रखी हैं। ये इसमें आपको बस पानी ऑन करना है, ये अपने आप सारे को वाटर कर देता है। इसमें पाइपिंग ऑलरेडी हो रखी है। ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से शाफ्ट को कवर भी कर दिया, ओपन टू स्काई भी छोड़ दिया, वर्टिकल गार्डन भी बना दिया। सब बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, किसी ने बड़े मन से प्रॉपर्टी बनाई है एंड आपके लिए तैयार करी है। अगर प्रॉपर्टी समझ आ गई है, प्रॉपर्टी बड़े अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर लीजिए, प्राइस पूछ लीजिए। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप खुल जाएगा, उस पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। चारों फ्लोर्स फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको 360 गज, 500 गज, 400, 300, 200 किसी भी साइज़ की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली DLF गुड़गांव के टॉप क्लास एरियाज़ में, विच इज़ DLF फेज़ 1, DLF फेज़ 2, DLF फेज़ 4 या सुशांत लोक 1, तो बिल्कुल बिना झिझके कॉल कर लेना। पूरी मार्केट में जो अवेलेबल है, बिल्डर्स यहाँ पे भाई को मतलब समझते हैं कुछ, ठीक है। प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए, इसका प्राइस भी पूछिए, प्रॉपर्टी भी देखने आइए। आपका जो भी बजट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 करोड़ अप टू 20 करोड़, हर टाइप की चीज़ अवेलेबल है, बिल्डर फ्लोर से लेके इंडिपेंडेंट कोठियों तक। आपका घर गुड़गांव में बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आज की डेट में जो चीज़ें बन रही हैं, ऐसी कई चीज़ें दिल्ली में भी नहीं बनती। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रंजन कपूर साइनिंग ऑफ। चीयर्स।